हे गाइस, मैं हूँ सौरभ और आज मैं बनाने वाला हूँ ये टेबल क्लॉक। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा सीडी और पेपर से बना हुआ है और ये एक सीडी है और ये भी एक सीडी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में और ये ऐसे आप स्टैंड करके भी इसको रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल तो मैंने इसमें बैटरी निकाल चुका हूँ, पर जब हम इसमें बैटरी डालेंगे तो फिर ये चलेगा और ये आप वीडियो के आगे में देखेंगे, तो फिर वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेबल क्लॉक को बनाना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको बनाने के लिए टोटल 2 सीडी लिया है और एक ग्लू गन की हेल्प से मैंने इसको अभी जॉइंट कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपको इसे ग्लू गन से जॉइंट करना है। अगर ग्लू गन ना हो तभी भी चलेगा, आप नॉर्मल फेविकॉल से भी जॉइंट कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम अपना सेकेंड वाला सीडी डाल देंगे। देखिए ये कितने अच्छे से पेस्ट हो चुका है। और फ्रेंड्स देखिए, ये अभी हार्डन हो चुका है, बट मैंने इसे वापस चिपका लिया है। अब हम इस पेज को ऊपर रखेंगे। पहले तो फेविकॉल को सीडी के ऊपर लगा देंगे, फिर इस पेज को इसके ऊपर रखेंगे, फिर सीडी के साइज का काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। और देखिए, मैं इसको एक पेज के ऊपर चिपका रहा हूँ। ये एक नॉर्मल A4 साइज शीट है जिसको मैंने हाफ में डिवाइड किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम ने दोनों साइड से ही ऐसा कर चुके हैं। अब हमें क्लॉक का मैकेनिज्म चाहिए और क्लॉक, देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी क्लॉक के मेजरमेंट्स ले रहा हूँ जहाँ पे भी नंबर्स होने चाहिए। और ये परमानेंट मार्कर है सीडी डीवीडी के लिए। और अभी हमें सब में ऐसा ही मार्क करना है। तो ये आप स्केल के मदद से ही कीजिएगा, वरना आपका ठीक से बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने नंबर्स मार्क कर चुका हूँ, मेरा लास्ट नंबर बचा हुआ है अभी। और मैंने ये अपना लास्ट नंबर अभी लिखने जा रहा हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है। अब हमें इसे उल्टा करना है, बीच में एक पॉइंट बनाना है, फिर उस पॉइंट पे किसी भी पेन से होल करना है, फिर जो हमारी मशीन है उसको ऐसे कुछ लगा देना है पीछे। तो वो मशीन आपको कैसे लगाना है मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो फिर कुछ देर बाद आपको वो सीडी वापस निकाल देनी है, जो नीचे वाली सीडी थी। एक्चुअली उसका कोई और यूज है, जो मैं आपको आगे जब आप वीडियो देखेंगे अभी तभी मैं आपको इसका भी यूज बताऊंगा। तो मशीन के ऊपर मैं थोड़ा सा ग्लू गन का ग्लू स्प्रेड कर दे रहा हूँ ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे अच्छी तरीके से पेस्ट कर चुका हूँ। अब हम एक के बाद एक इसको फिक्स करते जाएंगे। पहले आवर हैंड, फिर मिनट हैंड, फिर सेकेंड हैंड। और मैंने अभी टाइम सेट कर रहा हूं और आप देख सकते हैं ये चलने लगा।
तो अभी हम इसका स्टैंड बनाएंगे क्योंकि हम एक टेबल क्लॉक बनाने जा रहे हैं। तो पहले तो मैंने इसमें ट्यूब लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर ट्यूब के साइज का ही एक सर्कल काट लिया है और मैं उसको अब नीचे की तरफ पेस्ट कर दूंगा। देखिए मैंने कैसे पेस्ट कर लिया है, तो फिर ये एक स्टैंड की तरह वर्क करेगा। और जो सीडी मैंने निकाला था उसको आपको फेंकना नहीं है, वो इसी पे ही काम आने वाले हैं। उस पे हमने ग्लूगन का ग्लू इसलिए लगाया था क्योंकि ग्लूगन का ग्लू प्लास्टिक होता है और वो बहुत अच्छी ग्रिप देता है, तो फिर ये टेबल क्लॉक के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब हम उस ट्यूब को इसके सेंटर पॉइंट पे एग्जैक्टली पेस्ट कर देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इसे अच्छी तरीके से पेस्ट कर चुका हूँ और ग्लूगन का ग्लू हमें इसके बॉर्डर्स पे लगाना है बहुत अच्छी तरीके से, वरना कुछ दिनों के यूज़ के बाद ही ये टूट सकता है, इसलिए हमें इसको अच्छी तरीके से पेस्ट और सिक्योर कर देना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर भी ग्लू लगा दिया है, बट वो ग्लू हमें इसमें यूज़ नहीं करना है, वो आपकी विश है, क्योंकि अगर आप ग्लू नहीं लगाएंगे तो फिर पेपर इधर उधर हो जाएगा। तो फिर अब हम अपने मेन क्लॉक को पेस्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा क्लॉक रेडी हो चुका है। तो फिर फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और देखिए ये असलियत में वर्क भी करता है। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।